थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कुछ प्लान है आपका आज आपका बर्थडे? एक तो वो मुझे किंकी चैलेंज करना है, ओके, एंड बहुत ज़्यादा धमाल वाली पार्टी करनी है और हर किसी को टल्ली करके यहाँ से भेजना है। सो माई फ्रेंड्स आर कमिंग स्लोली स्लोली स्लोली, सो द पार्टी इज स्टिल लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, सो वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, सो लॉट ऑफ प्लानिंग इज गोइंग ऑन। बहुत अलग है, पहले तो वेलकम टू द मीडिया फैमिली, तो ये आप लोग बिल्कुल अलग हो, प्लस मेरे कुछ बहुत अच्छे अच्छे न्यू फ्रेंड्स बने फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम माई IPL बैकग्राउंड, फ्रॉम सोशल इंडस्ट्री, काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री से मेरे न्यू फ्रेंड्स बने हैं, सो इट्स गुड एंड ऑल आर देयर एंड स्पेशली लोग फ्लाइट ले लेके आ रहे हैं। अभी देखिए आपने सौरभ को देखा, ही जस्ट लैंडेड एंड ही जस्ट इन द पार्टी, यू नो अभी हिमालय आए, मतलब एवरीबडी इज लाइक कमिंग 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 कमिंग। हाँ मुझे एक दो दिन का स्टे ताजलैंड में मिला है, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है ताजलैंड का स्टे एंड ये वॉच मुझे दी है एंड आई गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स परफ्यूम्स एंड आई डोंट नो व्हाटएवर, सो एंड ऑफ कोर्स दिस डिजाइनर वेयर, सो थैंक यू। सो दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय फ्रेंड, सॉरी या सो दिस इज़ माई फ्रेंड, उसका नाम है रिति, सो शी हैज़ डिज़ाइन फॉर मी, रिति चावला, सो उससे मेरे लिए भेजा है एंड दिस इयररिंग्स इज़ फ्रॉम अंजना, सो ये इयररिंग्स मेरी फ्रेंड अंजना ने डिज़ाइन किया है स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस, और ये मेरा लाइक शिव जी ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई मॉम, सो आई हैव टू वेयर दैट, थैंक यू। या ऑफर्स हैं मुझे, सो आई एम जस्ट चूजिंग बिकॉज अभी मैंने IPL फिनिश किया है, सो लेट मी सी TV मूवीज़ के हैं इनफैक्ट, सो लेट सी, अभी मैं थोड़ा बर्थडे के जोन में हूँ, सो आई विल सी द स्क्रिप्ट्स एंड ऑल देन आई विल सी। मैं कुछ हंगामा इस साल करना चाहती हूँ, 2018 एंड होते हुए यू गाइज विल गेट अ गुड न्यूज़ एंड अ गुड हंगामा फ्रॉम माई साइड, बिल्कुल मतलब धमाल पटाखा टाइप का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एक मिनट खड़े रहना आप। और हमारी स्टाइल में गाली, दैट्स इट, क्यों सही कि नहीं आगे तो मैं पिक्चर के इंटरव्यू में देना गाली, मतलब बोलो ही मत, अभी आप से क्या बोले आप, तो मतलब ओ माय गॉड, बिंदु जी आ जा यार, इधर आओ ना, इधर खड़ा हो ना, इधर अभी खड़ा हो, हां इधर खड़ा हो ना, हां बोलो, हां हां अब हां ऐसे हो, राजेश ऐसे पिक्चर ले लो, साक्षी भी एक बिग बॉस वाली अंदर हो, हाँ साक्षी भी है, और भी कोई बिग बॉस है, हाँ हिमालय भी बोलेगा, अभी सब लोग बोलेंगे, बिग बॉस भी नहीं किया साक्षी प्रधान, नहीं नहीं वो है अंदर, साक्षी उसको भी बुला ले बाहर, बिग बॉस वालों के बीच में ये लोग को खड़ा करके भेजे, साक्षी बोलते हैं जे ये बिग बॉस गई तो बहुत डेंजरस होगी, सब लोग भाग जाएंगे, बाथरूम में छुप जाएंगे अगर प्रियंका आई, वेरी गुड, चलो चलो गुड, हाँ प्रियंका जी हेलो, हाँ जी चल भाई आ जाओ, क्या सही भाई, बर्थडे गर्ल बोल कुछ,
भाई आप पहले आप स्टार्ट करिए उसके बाद हम बोलते हैं। पहले आप स्टार्ट करिए। पहले प्रियंका जी को बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये बिग बॉस में जाएंगी तो बड़ा ही हंगामा करेंगी। और साथ में इनके पार्टनर हैं नीलम जी, इसने बड़े लोगों को दंगल सिखाया हुआ है, अनुष्का को सुल्तान में और दंगल में, वो जो दो लड़कियां थी उनको ट्रेनिंग 2 साल इसी ने दी है। तो ये दो भी पछाड़ मारने बड़ी तैयार है। बिग बॉस के घर के अंदर क्या होने वाला है? बस अब समझ लो, जब दोनों जाएंगे तो फिर दंगल ही होगा बिग बॉस के घर के अंदर। आपके टाइम पे कौन दंगल था ये बताइए? दंगल हमने वहाँ तो हमने शुरू दंगल किया था। रायता फैला रखा था, इतना रायता फैला रखा था। ओह गॉड, वैसे ही तुझे करना पड़ेगा फुल ऑन रायता, फुल ऑन रायता। अनिल जी आप क्या करने वाली हो? आप भी बता दो जरा, आप क्या करने वाली हो? काली के बगैर बोलना। अब बोल दे। क्या दंगल करने छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आए आए। हरियाणवी में बताओ तो मजा आए ना। हाँ थोड़ा हंगामा। हरियाणवी में बोल दे, ऐसे हिंदी में नहीं चलेगा। मारे वो हाँ। मारे को हाथ लगा देंगे तो हमने जान तो मार देंगे। वाओ 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 अमेजिंग। तो हमें बस 2018 का चाहिए। दैट्स गुड दैट्स गुड। हाँ जी, मैं तो बोलना चाहूँगा जी कि अल्लाह करे कि इस आने वाले साल में इनको बहुत तरक्की मिले, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, ये तंदुरुस्त रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कहाँ? यहाँ पे अभी देखिए जन्मदिन है इनका, तो फिर डांस भी होगा, सब कुछ होगा फिर तो ना, जन्मदिन पे तो फिर क्या है, मस्ती होती है। और एक इनको कीकी चैलेंज भी करना पड़ेगा। हाँ, हमारे यहाँ कीकी चैलेंजेस लाइक कंपलसरी। हाँ, अब तो पता नहीं क्या क्या होगा, वो तो आप सोचो ही मत। वहाँ तो कुछ बिल्कुल 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 कुछ अलग तो होना जरूरी है ना। हाँ, अरे वो देखो वो दिखाने की चीजें नहीं ना, वो चुपचाप। हाँ, वो चुपचाप देने की चीजें हैं, वो तो बताई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती। बड़ी खूबसूरत है ये तो आप देख ही रहे हो। हाँ जी, हाँ इनका रिव्यू क्या दूं, ये एकदम देखिए एकदम परी लग रही हैं, एकदम जो हीरोइने हैं वो इनके सामने पानी भरती हैं, एकदम हॉट सेक्सी लग रही हैं ये। थी द डे आई मेट हर एंड हम जिम करते थे साथ में, एंड हम लोगों का कुछ चीजें बहुत कॉमन है, मतलब शी इज अ स्वीट हार्ट, लियो गर्ल एंड आई एम अ लियो गर्ल एज़ वेल। यस एज़ वेल। सो इफ शी गोज़ टू बिग बॉस शी इज गोना हिलाओ द होल बिग बॉस, आई एम टेलिंग यू। हाउ भी बताती हूँ कैसे। मैडम से प्यार अगर आप लोगे ना तो वो 10 गुना ज्यादा देंगी। उससे पंगा कर लिया ना तो ये किसी को नहीं छोड़ेगी। बिग बॉस में मैं थोड़ा ही हूँ, वहाँ तो पंगा होना ही होना है। और बिग बॉस तो बनाए पंगे के लिए, पंगे के लिए। और क्या पंगा नहीं होगा तो फिर बिग बॉस आप थोड़ी देखोगे, कोई नहीं देखेगा। इनसे ज्यादा इन लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस। हाँ, लोग पंगे के लिए देखते हैं बिग बॉस भाई। बिग बॉस करके बिग बॉस पूरा सच है, बिग बॉस में कुछ झूठ नहीं है। या सो वी लीव KRK टू द मीडिया एंड प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अपना ज्ञान दीजिए आप, ज्ञान दीजिए। हो गया भाई जी, थैंक यू। आपका फेस Yeah.